क्या आप जानते हैं इस छोटे से किंगफिशर बर्ड ने जापान की बुलेट ट्रेन को विकसित करने में बहुत सटीक मदद की है। आखिर कैसे चले जाते हैं दोस्तों? पहले जब जापान की बुलेट ट्रेन किसी टनल के अंदर घुसती और बाहर निकलती थी तब बहुत तेज आवाज आती थी, लेकिन फिर जापान के वैज्ञानिकों ने इस पक्षी पर ध्यान दिया और देखा कि जब ये किंगफिशर बर्ड मछली पकड़ने के लिए नदी में गोता लगाता है तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आती। फिर इसी किंगफिशर बर्ड की बॉडी को ध्यान में रखते हुए बुलेट ट्रेन का डिजाइन किया गया। और तो और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तरीका उनके बहुत कारगर साबित हुआ, जिससे आज के समय में उनकी बुलेट ट्रेन आवाज भी नहीं करती और रफ्तार में भी तेज हो गई।